हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सब्जी बनाने में सबसे फर्स्ट में जीरा डालते हैं। जीरा ब्राउन होने के बाद मिर्च और लहसुन, चार पांच मिर्च है और दो गांठ लहसुन का है, इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद ओनियन डाल देंगे, एक ओनियन है, छोटी सी प्याज, प्याज को ब्राउन होने पे अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने पे इसको गलाने के लिए तुरंत इसमें डाल देंगे नमक, जो कि टमाटर को जल्दी गला देता है। सब ब्राउन होने के बाद इसमें मटर को डाल देंगे और एक मिनट के लिए मटर को चलाएंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके बाद आलू ऐड करेंगे। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक पहले ही डाल दिए थे, जिससे कि पानी अभी नहीं डालेंगे, पानी बाद में डालेंगे थोड़ा सा ये फ्राई होने के बाद। अब इसको धीमी आंच पे ढक देंगे 5 मिनट के लिए और तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये होममेड मसाला है, जो कि घर पे ही बनाया हुआ, और ये गरम मसाला, मिर्च पाउडर, एक एक चम्मच मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच है, हल्दी 0.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपको लगे तो थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं सब्जी के अनुसार। अब इसको हिला के मिक्स कर देंगे और जब तक गलेगी सब्जी तब तक मसाला फूल जाएगा। सब्जी अब गल चुकी है लगभग। एक बार ऐसे पलटे से चला के देख ले आलू को काट के, मसाला वही 10 मिनट हो चुका है और मसाला फूल गया है। अभी डालेंगे तो देखिएगा आप लोग कैसे फूल के हो गया है मसाला, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, मसाला थोड़ा सा पक जाए 2 मिनट के लिए, उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। आपको जैसी सब्जी बनानी है, ज़्यादा पानी रखना है तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इतना पानी काफ़ी होगा। अभी ये पानी जलेगा भी, अब इसको ढक देंगे, ढक्कन लगा के 2 मिनट और उबालेंगे, पानी जल जाएगा। पानी देखिए कितना कम हो गया है। अब ये सब्जी बन के तैयार है, सब्जी बन चुकी है। अब इसमें हरी धनिया डालना है, बस हरी धनिया डाल के सर्व करने के लिए रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें हमें भी, ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। और कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।